अच्छा ठीक है, एडीएम प्रशासन के यहाँ अच्छा उन्होंने आदेश किए हैं, जो आदेश इसलिए किए हैं वो स्थिति में ज़्यादा खराब न हो अच्छा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं आपका पूरा साथ 30-32-35 साल हो गए, 35 साल के बाद में भाई को देखा ही नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, हाँ अब मैं देखूंगा इनको कार्रवाई। सनो पतोला मेरे दो भाई हैं, लोरीलाल सनो पतोला, अमीचंद सरो पतोला, ग्राम पोस्ट नंगला सरुआ का मामला है सर जी, और उसमें जो है 420 से एक रजपाल नाम का व्यक्ति ने किसी पे लिखवाया किसी पे नहीं लिखवाया, ये तो अता पता ही नहीं चला है। जब बाद में पता चला तहसील में जाकर के फर्द में दूसरा नाम आ गया, इसी कारण वो दमंगई के साथ में ग्राम पोस्ट नंगला सरुआ जो भूमि है मेरी रामपाल की और भाई डोरीलाल की अमीचंद की, खाता एक है, जबरन कब्जा करना चाह रहा है और करा भी है, जिसमें चंडोस चौकी इंचार्ज अमित जी, हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, उन्होंने थाने में बुलाया, हमारी पत्नी भाभी प्लस भतीजे पहुँचे, उनको समझाने के बाद में दूसरे पक्ष को बुलाया ही नहीं गया, संज्ञान में ये कहा कि भाई ऐसा तुम चले जाओ, और वो कब्जा करता रहा। हम मानते हैं कि भूमिका चौकी इंचार्ज अमित जी की चंडोस की है, तो दबंगई दिखा रहे क्या है? हाँ दबंगई भी दिखाई, और वो जो दूसरा पक्ष है 20-25 आदमी को लेकर पावड़ा लेकर के हमारी पत्नी और हमारे भतीजे और भाभी से ये कहा कि इससे काट देंगे अगर इस खेत की तरफ आए तो, ये मामला है। दूसरी बात, ये कोर्ट में विचाराधीन केस है, जबकि तारीख पड़ रही है अगले महीना की 11 तारीख है, उसके बाद में भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, और जो चौकी इंचार्ज है चंडोस का वो पूरी भूमिका उनके साथ निभा रहा है, इसीलिए वो पावरा लेकर के हमारे पूरे परिवार पर रहे थे। वो तो मैं यहाँ गांव में रहता नहीं हूँ, अलीगढ़ रहता हूँ, फिर सांसद से मांगता हूँ निष्पक्ष जांच करी जाए, और ये 420 में जो लिखवाया है मुकदमा कायम, इनके लिए कानून कार्रवाई की जाए।